Hey guys, this is Ankit Gupta, Prince Dua, Param Singh, Harshita, Chirag Desai, and you're watching us on Teleclam. Okay, so one fact you would like to add in the show? I'd rather be able to write right now. I would want an international trip for all of us. Supposed to go to Turkey, then you went to Naigaon. Copy paste. International trip. अगर हम सबकी होती international competition जहां हम गए हैं. और सीजन थ्री में ऐसी स्टार्टिंग तो मैंने बाहर की ही सुनी है. हम लोग खाने तक नहीं गए. नेपाल तूने सीजन नेपाल नहीं बाहर सीजन थ्री सुना है? हाँ. अच्छा ठीक. ये सीजन थ्री सीजन थ्री सीजन थ्री अभी भी टी लाओ भैया. टी सीजन थ्री आ रहा है क्या समीरा? नहीं आ रहा. इतना कॉन्फिडेंट होके ऐसे मना कैसे कर दिया आपने? अभी 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 उसने बोला है आ रहा है, आएगा. और टाइम नहीं बता सकता, डेट नहीं बता सकता, बट आएगा. और वो इंटरनेशनल ही उसकी शूटिंग है. स्टार्टिंग तो बाहर से ही है. oh, इंडिया great. में नहीं है कुछ भी. बाहर से आएंगे हम. वो ही है ना पहला सीन, पासपोर्ट जलने वाला. अगर हम वही रह जाते पर इंडोर सीन ही दिखा. ओके चिराग, ये आपके लिए क्वेश्चन है. जिग्गी अभी जो जिग्गी की सुसाइड वाली जो बात कही उन्होंने, उससे रिलेटेड ही है. व्हेन यू गॉट टू नो दैट जिग्गी इज गोना कमिट सुसाइड, हु वाज द फर्स्ट, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? My first reaction. पढ़े का टाइम, पढ़े का टाइम. I was about to say this. पैपा नहीं आएगा, पैपा नहीं आएगा. पढ़े भी बंद और missing this bonding. I'll be missing this people. और हम गुजराती नाश्ता. सब कभी लाता तो था नहीं है. ये देखिए इतनी प्यारी है ना गुजराती नाश्ता. जैसे ही नाश्ता लाता हो, एक बार लाया था तीन साल में. वो भी कुछ क्वेश्चन. मैं तो सॉरी क्या क्या और मेरा मेन तो था कि हाँ चलो पर डे तो बंद होना है, लेकिन इन लोगों के साथ जो बॉन्डिंग था मेरा, मतलब मी अंकित एंड परम वर शेयरिंग वन रूम ना, तो वो बॉन्डिंग को मैं बाद में भी बहुत मिस कर रहा था. और क्या क्या पापड़ा का क्या था वो, क्या भी क्या टॉपिक? कुछ भी नहीं था. वो कह रही थी कि ये गुजराती खाना कौन लाएगा. एक बार लाया था तीन साल में 900 दिन में दो बार ही ले ले. 900 दिन में दो बार लाया था. उसकी भी तारीफ कर दी. तो अच्छा लाया ना तू, वो भी नहीं लाया साले. ये बेचारा डेली डब्बा लाता था, हमें देता था. राइस थोड़े से अपने निकाल के पहले अपना पूरा करके हमें दे देता था, फिर लोग खा. मेरा सैलेड मेरा सब कुछ. ही द ओनली वन हु यूज्ड टू गेट घर का खाना. पर आशीर ऐसे होते. परम का मम्मी क्या बनाया? अपने रूम से आके परम के रूम में क्या बना है खाने में? आज भी आंटी ने बुला रखा है घर पे, देखो क्या बना होगा क्या नहीं. परम की मम्मी ने बुला रखा है. मुझे याद करती रहती है. मैं जा नहीं पाता, मैं बहुत बिजी चलता हूँ, जा नहीं पाता. सीन ही मेरा और उसका है, उससे ही स्टार्टिंग है. रिवील होगा कि ऐसे बेड है, बेडरूम है, और फिर देखेंगे कितना स्कोप है यार. बोलो बोलो फैंस को, बोलना चाहिए इनको बनाने के लिए. हाँ तो कैसी है आर्य? अभी आ गया, बताओ. और क्या था क्वेश्चन? क्या था मैं भूल गई, बता. इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो पूरा जस्टिस मिला, कोई दिक्कत नहीं है. टाइम से चली भी गई थी वो, अपना जो भी हमारा प्यार मोहब्बत हुआ, फिर वो चली गई कहीं तो कोस्तु की. फिर एक और आई उषा रानी, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई. मैं खुश हूँ, मुझे कोई मेरे साथ इनजस्टिस नहीं हुआ भाई. कौन थी यार? एक आई थी बीच में, वो जब ड्रग्स वाला ट्रैक चल रहा था, एक लड़की और लाई थी. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो मुझे पूरा जस्टिस मिला है. उसको पता नहीं कुछ हुआ हो सकता है उसके साथ इनजस्टिस. उसको आता था नहीं आता था, पॉइंट ये भी है. उसे आता था नहीं आता था, इसके साथ वो बात अलग है. बट हाँ अच्छा था. What is that one thing that signifies Sandeer, the couple according to you both like, it's just their things? Take a second. What is the second part of the question? What is the what one is the first thing part? That signifies Sandeer, the couple according to you both like, it's just their things? I think they're very passionate, very competitive, and they are who they are. Both of them are extremely confident. That's what I really like about the couple. They are so similar in ways, and that's why they used to fight, because it's very difficult when two people are very similar and then to understand each other, and then they reach a point slowly where they kind of let go of something about the other person, because somewhere you are the mirror image of that person. So I think mirror is a word which signifies their relationship. And second part I still didn't.
वही सेम ही है मतलब इट्स या ओके अनदर क्वेश्चन हु अमंग ये सबके लिए है हु अमंग यू ऑल यूज्ड टू डू अ सीरियस प्रैंक डू यू गाइस रिमेंबर एनी इंसिडेंट व्हेन इट स्टार्टेड विद अ प्रैंक बट टर्न सीरियस एट द एंड नहीं ही डिड समथिंग अरे वो मनु जैसा अपन वन डे देयर वाज दिस पेंट थिंग हैपेंड हैपनिंग एंड इसने ना अपना पैर रख दिया दीवार पे और ओया आ जा ही थॉट दैट मैं मस्ती कर रहा हूं ओके मैं नीड खा रहा तो नोएल सर ने कहा कि ये पैर रखो अंकित नीचे करो तो ही सेड सर क्या हो गया इसमें पैर और करने लग गया देन ही गॉट सीरियस देन ही थॉट ये प्रैंक कर रहा है ये मस्ती कर रहा है बट देन शूटिंग रुक गई थी आधे घंटे के लिए और यही था मैं और कुछ नहीं था और एक बार हमने ये प्रैंक किया था मैंने और प्रिंस ने शायद नहीं वो नारियल ये नारियल पानी पीता था हम लोग सब पीते थे बट हमने एक बार इसके नारियल में नॉर्मल पानी डाल दिया था नारियल पानी निकाल लिया था और फिर भी इसने एंजॉय किया कि नारियल पानी पी रहा हूँ और बाकी तो हमारे बाकी तो हम प्रैंक जो शुरू करते थे उन्हें खत्म कर देते ज्यादातर सीरियस नहीं होते थे D3 की सेट पे गए थे हमने एक लड़ाई शुरू करी थी आपस में इतना प्रैंक नहीं करते थे जो नए लोग आते थे ना हम उनका बड़ा यार वो फोन कॉल सलमान खान का ऋतिक से बात मान लो देसाई को और बड़े सारे हाँ बाहर के जो बंदे आते थे उनके लिए हमारे पास बहुत सारे ड्रामे थे क्योंकि नए नए कैरेक्टर आते रहते थे हम नई नई बातें सोच सोच के कुछ ना कुछ करते रहते थे घुरापाती हाँ जी ये 10 साल हो गए हमें याद नहीं है एक्चुअली हमने बहुत मस्ती की ओके ये दूसरा क्वेश्चन वापस से सबके लिए व्हाट वाज द मोस्ट इमोशनल एंड चैलेंजिंग ट्रैक फॉर होल टीम फ्रॉम क्रू मेंबर टू द एक्टर अरे वो ही ना दैट जब उसको बोली या या व्हेन इट वाज गेटिंग शॉट ना दैट होल मेरे लिए वो सबसे डिफिकल्ट सीन आज तक का है जिसमें आई एम डाइंग एंड अर्चिता कम्स टू मी रणधीर उठो एंड आई एम आस्किंग हर की वरदान सर अभी कैसे है वी हैव टू सेव हिम ये वो एंड इट वॉज रियली बैड वो That was really challenging and very good. मुझे भी याद है मेरा वो गंजा होने वाला मेरे भाई और उसमें मैं सीन में था एक सीन था जिसमें मैं ऑन स्क्रीन अपने पूरे के पूरे बाल काटता हूँ और रो रहा होता हूँ मेरा भाई आता है पीछे से मुझे कुछ कुछ तो रोकता है मैं बहुत बुरी तरह रो रहा होता हूँ क्योंकि तेरे भाई को कुछ काम नहीं ना सब पूरे कॉलेज में घूमते रहता था किसको प्रॉब्लम है किसको मैं आ गया तेरे पास बट हाँ वो था वो मेरा शायद उस पूरे सीरियल का सबसे अच्छा सीन था मेरे लिए मैंने बहुत लाइक किया उसे झगड़ा झगड़ी ये मेरा मजाक उड़ाया जिकी तू चुप करेगा ये सब मतलब बहुत क्यूट कैरेक्टर था लेकिन सडनली वो ड्रग का कैरेक्टर तो मतलब मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था लाना नहीं चाहिए था पर वो कुछ बन गया स्टोरी में और जब जब जिग्गी मरा था जब मैं इसकी लाश देखता हूँ ऐसे लटकी हुई है एक वो सीन भी था उसमें रोना था बहुत सारा मैं बहुत सारा रोया बट मेरे लिए कुछ नया था अच्छा था मैंने अच्छा किया वो सीन थोड़ा चैलेंजिंग था अच्छा मैं, था। मुझे जब नीचे सुबह डायलॉग कॉपी मिलती थी उसमें मैं देखता था जिग्गी के अगर कोई लाइन देना तो मुझे अपनी ये प्लानिंग करनी पड़ती थी कि मैं इसको कैसे नहीं देखूं क्योंकि अगर मैं इसको देखता तो मुझे बहुत हंसी आती थी और मेरी ना हंसी की प्रॉब्लम आज भी है और हर्षिता मुझे चिल्ला रही है कभी कभी अब्यूसिव भी हो जाती थी ये हंसता नहीं है ये तो हंसे ही ना ये हंसा के चुप हो जाता था ये भी नहीं हंसता था और सिर्फ मैं हंसता था और फिर लास्ट में मुझे ही सब गालियां देते थे चिराग का जो स्टाइल था वो गुजराती एक्शन में अरे रणधीर भाई और मैं एक सीरियस कैरेक्टर लेकर हूँ मैं अंदर में हंस रहा होता था और जब मेरा क्लोज नहीं होता था ना मैं हमेशा हंसता था संयुक्ता के लिए तो बहुत पता नहीं मुझे तो याद भी नहीं है मेनी मेनी चैलेंजिंग सीन्स ओवर 900 एपिसोड्स अरे एक सीन तो इसने क्या किया था मैं आज तक एग्जांपल देता हूँ हर्षिता के इसको चार माले पे कोई क्रेन से ऊपर कर दिया एंड शी हैज टू जंप लाइक दिस सॉरी बट मेरा नेक स्प्रेन हो गया था एंड द
दैट सीन शी डिड लाइक 5 times एंड आउटस्टैंडिंग है. और एक और सीन था जिसमें उसको फैक्ट्री में ना कोल तोड़ना था या कुछ तो करना था, फुल काली हो गई थी, मतलब फुल उसको मेकअप भी दिया था, बट शी वॉज ऑन इट. इतना हार्ड वर्क, मतलब we all had a lot of stamina. हम लोग सब सीन नहीं नहीं there was a scene inside a hostel. अंकित सुनना, there was a scene inside a hostel room. तो इस बंदी को एक फोटो देख के कुछ स्माइल वाइल देनी है, ये बंदी दे रही है दे रही है, अचानक से इसने जो ट्रांसफॉर्म, अचानक से रोना वोना इसने वो जो शूट किया था. तो आर डायरेक्टर नॉय स्मिथ हमारे रूम में आए एंड ही वाज लाइक बॉस व्हाट आर यू सिटिंग इनसाइड, जस्ट लुक एट हर्षिताज परफॉर्मेंस. मेरे को हर्षिता आज भी वो सीन याद है, तूने इतना ब्यूटीफुली किया. बोलते देखो वापस कैमरा में जाके, वेरी नाइस, हैट्स ऑफ टू यू हर्षिताज, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर आई हैव सीन. नहीं वो तो नो डाउट, हैट्स ऑफ मत करना. नहीं 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 वेरी नाइस, नहीं नहीं दिल से ही करता है और करने वाली बात भी है. वो चीज अब दुनिया देख भी रही है, उस टाइम इतना अच्छा किया तो आज तक देख लो लड़की करती जा रही है, तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं. ये कह भी देता मैं मजाक कर रहा हूँ तो कोई मानता भी ना, सच ही मानता हर कोई है, लड़की अच्छी तो कर रही है. ओके,